दोस्तों इस स्थान पर स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि विशेष तौर पर सांपों से बचकर रहें, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े और लंबे सांप यहां पर अक्सर देखे गए हैं, इसलिए हमें इस जंगल वाले एरिया में सांपों से बचकर रहना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको फिर से एक बिल्कुल ऐसे नए स्थान पर लेकर आ गया हूं जिसके बारे में आपने इतिहास में कभी सुना तक भी नहीं होगा। आज हम जिक्र करने वाले हैं शाहजहां के बड़े भाई सुल्तान परवेज की, और उन्हीं के मकबरे में आज हम आ गए हैं जो आज आपको पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये पूरे का पूरा जो मकबरा है ये ऐसी गलियों के अंदर बना हुआ है जहाँ पे सामान्य व्यक्ति का पहुँचना बहुत ही मुश्किल काम है। जब आप मेन रोड से आगे की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आपको पतली गलियों से आगे की तरफ आना पड़ेगा और आसपास के लोगों से पूछना पड़ेगा कि सुल्तान परवेज का मकबरा कहाँ पर है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ में आप लोग इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, ज्ञानवी क्लोग मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। चलिए दोस्तों बेहतरीन तरीके से एक बार फिर से हम इतिहास के उन पुराने पन्नों को पीछे की तरफ पलटेंगे जो आज हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। काफ़ी बेहतरीन इतिहास है और सबसे मेन बात दोस्तों इस स्थान पर स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है कि विशेष तौर पर सांपों से बचकर रहें, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े और लंबे सांप यहाँ पर अक्सर देखे गए हैं, इसलिए हमें इस जंगल वाले एरिया में सांपों से बचकर रहना है। चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा एक बार हम आसपास का नज़ारा देख लेते हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पर झाड़ियाँ बनी हुई हैं और इन्हीं झाड़ियों के माध्यम से हमें यहाँ पर आना पड़ता है। इसका आने का कोई दूसरा और रास्ता नहीं बना हुआ है दोस्तों, केवल हम इन झाड़ियों को क्रॉस करेंगे और उसके बाद ही हम इस मकबरे में पहुँच सकते हैं। इसके बाहर के नज़ारे को मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, देखिए कैसा बना हुआ ये। इसके अंदर वही पतली लाल लाखोरी ईंटें इस्तेमाल की गई हैं, वही चूने पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर की तरफ काफ़ी बड़ा डोम भी बना हुआ है। यहाँ देखिए इसका कितना हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है, वो हम आपको अभी दिखाएंगे। यहाँ से आइए थोड़ा एक बार आप आगे की तरफ, ये देखिए इसकी दीवार कैसे आज के समय में डिमोलिश हो चुकी है, बिल्कुल नष्ट हो गई है ये। थोड़े से हम इसके इतिहास की बात भी कर लेते हैं। शाहजहां के जो बड़े भाई थे उनका नाम था सुल्तान परवेज। उनका जो जन्म है वो हुआ था 1589 में। जहांगीर की तीसरी पत्नी जिनका नाम था साहिब जमाल, उन्हीं के बेटे थे सुल्तान परवेज। लेकिन उनके अंदर एक बुरी आदत थी कि वो शराब यानी कि मदिरा पान का बहुत ज़्यादा सेवन किया करते थे, इसलिए बहुत छोटी सी उम्र में उनकी तबीयत एक बार अचानक से ख़राब हो गई। लेकिन कुछ वक्त के बाद वो ठीक तो हो गए थे, लेकिन मात्र 38 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में उनके शव को सबसे पहले आगरा के किले में लाया गया और यहाँ पर लाकर दफन कर दिया गया। अभी मैं आपको अंदर की तरफ लेकर जाऊँगा ताकि मैं आपको अंदर की चीज़ दिखा सकूँ और इतिहास की बाकी बातें आपको मैं समझा सकूँ। आ गए हैं सुल्तान परवेज के मकबरे के बिल्कुल अंदर वाले हिस्से में। आप यहाँ पर सबसे पहले इस पूरे नज़ारे को देख लीजिए। आपको इन पुरानी इमारतों के अंदर तकरीबन आज से 500 वर्ष पहले के उन सभी वास्तुकला को और उस समय के डिज़ाइन को जान पाने का मौका मिलेगा। और सबसे जो मुख्य बात है वो ये बनती है कि सरकार ने सारे आसपास के मॉन्यूमेंट्स पे ध्यान दिया, लेकिन इस मॉन्यूमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। नीचे वाले आप इसके हिस्से को देख सकते हैं, ईंटें किस प्रकार से इसकी बिखरी हुई हैं और इसके अंदर चार गेट हैं, स्क्वेयर फॉर्म में पूरे का पूरा मकबरा बना हुआ है। जब आप अपनी नज़रों को ऊपर उठाएंगे तो आपको एक विशेष डिज़ाइन दिखाई देगा जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। किसी वक्त पहले जब ये यहाँ पर बनाया गया होगा तो अपनी एक रौनक के साथ में रहता होगा, इसके अंदर एक चमक बनी रहती होगी। देखिए काफ़ी जगह इसके अंदर टूट फूट की गई है, काफ़ी बड़े बड़े होल भी आपको देखने को मिलेंगे। हम नहीं जानते हैं कि ये सारे होल क्यों किए गए हैं। आगरा के अंदर हम जब कभी भी आते हैं तो हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आगरा का ताजमहल ही देखना पसंद किया है, लेकिन आगरा में आज भी ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं, जिनमें से एक है यहाँ पर शाहजहां के बड़े भाई सुल्तान परवेज का मकबरा, जिनकी मृत्यु 1627 में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हो गई थी और बाद में उन्हें यहाँ पर लाकर दफन कर दिया गया था। यदि आप भी आगरा में आते हैं और स्थान को घूमना चाहते हैं तो चीनी का रोज़ा और एदमदोला नामक मकबरों के बिल्कुल बीच वाले हिस्से में
पतली गलियों से निकलते हुए इस खंडर मकबरे में आप आ सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को इस मकबरे के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है और ना ही इस मकबरे पर एएसआई डिपार्टमेंट और राज्य पुरातत्व विभाग की अधिक नजर रही है, इसलिए ये मकबरा आज भी खंडहर में दिन प्रतिदिन तब्दील होता जा रहा है। लेकिन इस इतिहास को आज उजागर कर हमें बहुत अच्छा लगा। तो इसी प्रकार की नई मजेदार और बिल्कुल अनदेखी वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।